हिंदी ऑनर्स के 6 सेमेस्टर की पुस्तक हिंदी की भाषी विविधताएं के भाग ख साहित्य भाषा के रूप में हिंदी विविधताओं के अमीर खुसरो के बारे में आज बताने जा रही हूँ। हिंदी काव्य में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनका जन्म सन 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। इनका नाम अब्दुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो था और इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन महमूद था। वे अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। इनकी माता हिंदुस्तानी थी, इसीलिए उनकी रचनाओं में दोनों सभ्यताओं का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। अमीर खुसरो के पिता ने मंगोलों के साथ भीषण युद्ध किया। युद्ध के बाद वे बेघर हो गए और भारत आकर बस गए। अमीर खुसरो को अपनी भारत पर बहुत ही गर्व था। वे दिल्ली में लंबे समय तक रहे। अमीर खुसरो बहुत ही प्रभावशाली कवि रहे हैं। उनकी तुलना जाने माने कवि हाफिज और सादी से की जा सकती है, लेकिन उनके काव्य इतने प्रभावशाली थे कि किसी भी कवि से उनकी तुलना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अमीर खुसरो अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। सबसे पहले उन्होंने उत्तर भारत की भाषाओं में शायरी की, जिसे उन्होंने हिंदवी का नाम दिया। उन्हें अपनी हिंदी पर बहुत गर्व था। अमीर खुसरो ने दोहे, पहेलियाँ, मुकारियाँ लिखी। उनके दोहे पहेलियाँ आज भी लोगों में खूब प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो को अरबी, फारसी, हिंदी के अलावा और भी अनेक भाषाओं का ज्ञान था। उनका प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में भरपूर किया है। अमीर खुसरो ने हिंदी के विकास के लिए जो योगदान दिया है, उनकी प्रशंसा के लिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि खुसरो ने हिंदी, अरबी, फारसी शब्द का प्रचार तो बढ़ाया ही है और साथ में हिंदी मुसलमानों में परस्पर सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से खालिक बारी नाम का एक कोश भी बनवाया था। कहते हैं कि इस कोश की लाखों प्रतियाएं लिखवाकर तथा ऊंट पर लादकर सारे देश में बांटी गई थी। हिंदी भाषा को समृद्ध करने, आगे बढ़ाने और स्थापित करने में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी इस योगदान को सभी विद्वानों ने स्वीकार भी किया है। इस तरह से यह बात भी स्वीकार करनी चाहिए कि हिंदी का जो भी रूप दिखाई देता है वह अमीर खुसरो की ही देन है। अमीर खुसरो एक भाषा तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने पूरे भारत की भाषा को सम्मान दिलवाने का भी प्रयास किया। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।